किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेन बागवानी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा है, अभी जो बारिश हुई है ये बारिश बेमौसमी बारिश है, तो बेमौसमी बारिश से कुछ फसलों को फायदा हुआ है, कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे किन किन फसलों में नुकसान है और किन में फायदा है और उसका कैसे हम उपचार करें। जैसा देखा जाए किसान भाइयों, अभी सरसों की फसल लगी हुई है, अब फूल आ रहा है, कहीं कहीं फली भी आ रही है, तो उसमें जैसे बारिश होने से सरसों की फसल में जो माहू कीट लग रहा है वो धुल गया होगा, गिर गया होगा, और उसको नमी रहेगी तो अच्छा फूल के साथ फली भी बनेगी। अगर उसमें माहू कीट अभी भी लगा हुआ है तो एक इमिडा क्लोरोपिट एक दवा आती है, उसकी 2 ml दवा को 1 लीटर पानी के घोल बना करके आप छिड़काव करें, जिससे उसमें लगने वाला माहू कीट, जिसे हम एफिड बोलते हैं, माहू बोलते हैं, वो हमारे क्या करता है, फलियों के ऊपर बैठता है और उसका रस चूसना शुरू कर देता है और धीमे हमारा गुच्छे की तरह काले कलर का हो जाता है और हमारी फसल को 50 से 40% नुकसान होता है। उसको बचाने के लिए हमको दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। और दूसरा, जिन किसान भाइयों ने गेहूं लगाया हुआ है उनको इस बेमौसमी बारिश से लाभ होगा। और तीसरा, जो सब्जियों की खेती किसान कर रहे हैं, जिनके खेत में सब्जियां लगी हुई है, तो बारिश का उन पानी उनके भी लाभदायक रहेगा, लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी छांव आ रही है, कभी बारिश आ रही है, ऐसे बदलाव में हमारे जो रोग फैलते हैं वो उसके लिए अनुकूलन होता है। और इसमें खास करके फफूंद नाशक रोग बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं, तो फफूंद नाशक रोगों को रोकने के लिए हमको तुरंत फफूंद नाशक दवा का अपनी सब्जियों की खेती में छिड़काव करना होगा। जैसे फफूंद नाशक दवा आपका रेडोमिल आता है, बाजार में मिलेगा, और आपका कैप्टन है, थीराम है, ट्राइकोडर्मा है, जो भी दवा आपको आसानी से उपलब्ध बाजार में हो जाए, बॉबिस्टीन है, तो सबसे आसान तरीके से बॉबिस्टीन हर दुकान में मिल जाता है, जो पीले कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसका 2 ग्राम पाउडर और 1 लीटर पानी में घोल बना लें और उसको घोल बनाने के बाद सप्ताह में 1 दिन छिड़काव करें। अगर 2 बार इस तरह से छिड़काव करेंगे तो हमारी सब्जियों में जो समस्याएं आएंगी फफूंद से, जो बारिश में मौसम बदलाव से आ रहा है, वो हमारे समस्या नहीं आएंगी, हमारी फसल बच जाएगी और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा होगा और सब्जी की खेती अच्छे से कर पाएंगे।